हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अब आपने देखा होगा अभी तक आपने पेरीमीटर किसकी निकाली है, सर्कल की, बट इस फिगर की निकालनी है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, उस एरिया के चारों तरफ की जो बाउंड्री लाइन है वो कितना डिस्टेंस है, उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है ये सेमी सर्किल है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया ये, और रेडियस क्या हो गई, ये टोटल हो गया डायामीटर, तो रेडियस हो गई 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे को इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या पता करना है, एक तो इस आर का, इस सेमी सर्किल का डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 10 सेंटीमीटर डायामीटर। तो ये तो स्ट्रेट लाइन इसमें एडेड है ना, पेरीमीटर तभी होगी जब इसको ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका हम सरकमफ्रांस निकालते हैं। तो सरकमफ्रांस निकालेंगे, सरकमफ्रांस क्यों निकालेंगे, सपोज करिए ये पूरा सर्किल होता और हमारे को रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रांस क्या हो गया, ये पूरी लाइन का डिस्टेंस, और यहाँ सेमी सर्किल है तो इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो गया, सरकमफ्रांस का आधा। तो पहले सरकमफ्रांस निकालते हैं, 2πr 2 × 22/7 × 5, 5 × 2 = 10, ये हो गया 220/7। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, अब इसका पूरा कितना है, सेमी सर्किल है ये हमारा, तो इस वाले पार्ट की हमारी लेंथ कितनी होगी, हाफ। तो यहाँ पेरीमीटर क्या हो गई, टोटल इसका हाफ 220/7 का हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 + 10, इसमें ये ऐड कर देंगे, तो ये क्या हुआ 110/7 + 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेवन फाइव जा 35, 5 पॉइंट लगा के 0, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, तो ये हो गया 15.71 + 10, तो ये हुआ हमारा टोटल इसकी पेरीमीटर 25। 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25.71 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गई।